Video 5. Write the and करें. देखते हैं। हमको determinant दिया हुआ है सबसे पहले हम माइनर का फॉर्मूला देखते हैं हमको पता है कि एम वन वन माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन मुझको मिलता है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हटा के तो जो कि हो जाएगा एलिमेंट थ्री सिमिलरली एम वन टू हो जाएगा इन दोनों रो और कॉलम को हटा के मतलब कि जीरो एम टू वन हो जाएगा मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के तो जो हो जाएगा एलिमेंट माइनस फोर और एम टू टू हो जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटा के तो जो कि हो जाएगा एलिमेंट टू को फैक्टर्स हम जानते हैं कि माइनर मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन रेज टू पार आई प्लस जे होता है तो जो हमको लेफ्ट में वैल्यूज़ मिली हैं उनको बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस वन रेस्ट पार आई प्लस जे से तो ए वन वन हो जाएगा माइनस वन रेस्ट पार वन प्लस वन इन टू एम वन 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 प्लस वन टू होता है तो मतलब पॉजिटिव आएगा इसका आंसर तो मतलब वैल्यू अनचेंज रहेगी थ्री सिमिलरली ए वन टू हो जाएगा माइनस वन रेस्ट पार थ्री ऑड है मतलब कि माइनस वन आंसर आएगा पर मल्टीप्लीकेशन ज़ीरो से हो रहा है तो आंसर ज़ीरो रहेगा सिमिलरली ए टू वन माइनस वन रेस टू पार थ्री इंटू माइनस फोर माइनस वन रेस टू पार थ्री माइनस वन आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फोर आंसर आ जाएगा एंड ए टू टू इस तरीके से टू आ जाएगा